लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीबी न्यूज में। दोस्तों, आज हो गया है 10 दिसंबर सोमवार। दोस्तों, आज 10 बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये खबर आपके बड़े काम की है, इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि आप आज की बड़ी खबर मिस ना कर पाए। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके नीचे बताना है। सही जवाब देने वाले को बीबी न्यूज की तरफ से मिलेगा अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली जीत सके कई बड़े इनाम। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महंगा हुआ ताजमहल का दीदार, 5 गुना बढ़े टिकट के दाम। मोहब्बत की निशानी तथा दुनिया के 7 अजूबों में शामिल दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार करने के लिए अब आपको अपनी जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी होगी। सोमवार 10 दिसंबर से ताजमहल का टिकट महंगा होने जा रहा है। अब ताजमहल देखने के लिए 50 की जगह 200 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं विदेशी सैलानियों को अब 1300 रुपए में टिकट खरीदना होगा। साथ ही आपको 50 रुपए का भी टिकट मिलेगा, लेकिन इस टिकट से आप ताजमहल के एक सीमित दायरे का ही भ्रमण कर सकते हैं। पूरा ताजमहल घूमने के लिए आपको 250 रुपए का टिकट लेना होगा। वहीं दूसरी खबर एटीएम को लेकर आ रही है। एटीएम से नोटों की बरसात, 100 की जगह निकले 500 के नोट, मचने लगी लूट। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक एटीएम से 100 की जगह 500 के नोट निकलने लगे। 500 के नोट निकलने की खबर पर एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में एटीएम से 1.2 लाख रुपए निकाले गए। ज्यादा नोट निकलने की सूचना मिलते ही संबंधित बैंक और कैश डालने वाली कंपनी ने मौके पर पहुंचकर एटीएम को बंद किया। बैंक अब नोट निकालने वालों की जानकारी निकालकर उनसे पैसे वापस करने की गुहार लगा रही है। तो इसलिए सरकार बंद कर सकती है 1 रुपए का सिक्का। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी से जनता को बड़ा झटका लगा था। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद देश में 2000 के नोट आने से कई लोगों को नुकसान भी हुआ था। सरकार का नोटबंदी करने का उद्देश्य था देश को काले धन से मुक्त करना। नोटबंदी के झटके से लोग अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। वहीं कुछ समय पहले तक 10 रुपए के सिक्कों को लेकर बाजार में अफवाह फैली थी कि ये बंद होने वाला है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब 1 रुपए के सिक्कों को लेकर भी मार्केट में अफवाह है कि ये बंद हो सकता है। सरकारी नौकरी वालों की तरह आपको भी मिलेगा पेंशन, बस करना होगा यह काम। अब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी से भी आप रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की नियुक्त पेंशन सिस्टम स्कीम काफी लाभदायक हो सकती है। प्राइवेट नौकरी करते हुए भी आप 60 वर्ष की उम्र में मासिक पेंशन का जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए आपको खाता खुलवाना होगा। एनपीएस ज्वाइन करने पर ग्राहक को एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, जिसमें ग्राहक को रिटायरमेंट तक योगदान करना होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है और साथ ही ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण राशि उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाती है। सोमवार को बीवी पेट्रोल और डीजल में कटौती, पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। देश के 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सोमवार को भी कटौती देखने को मिली। इसके साथ ही अक्टूबर माह में तेल की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब तक इसमें करीब 15% की गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 29 पैसे प्रति लीटर की कटौती देखने को मिली है। इसी कटौती के साथ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का नया भाव 70.31 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं मुंबई में 23 पैसे प्रति लीटर की कटौती के साथ मुंबई में पेट्रोल का भाव 75.90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल के भाव 72.35 रुपए और चेन्नई में 72.92 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बदल गया है आपकी जेब में रखा क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जानिए आपको अब क्या होगा फायदा। इस साल प्लास्टिक कार्ड में कई तरह के बदलाव हुए हैं। 30 सितंबर 2018 तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 9 करोड़ डेबिट कार्ड और 4.2 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं। वहीं इस साल की शुरुआत में देश में कुल डेबिट कार्ड की संख्या 84.7 करोड़ और क्रेडिट कार्ड की संख्या 3.6 करोड़ हो गया है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया गया है। कार्ड के माध्यम से होने वाले पेमेंट को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने अब कार्ड्स को अधिक सुरक्षित बनाने का फैसला किया है। अगर आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिसमें ईवीएम चिप नहीं है तो इस साल के अंत तक आप उसे बदलवा लें। आरबीआई ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड की जगह वे ईवीएम चिप वाले कार्ड जारी करें। राजधानी एक्सप्रेस को टक्कर देने आ रही है नई ट्रेन, इसी महीने दौड़ने के लिए तैयार। देश की पहली बिना इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के बारे में तो आपको पता ही होगा। पिछले दिनों ट्रायल के तौर पर चलने वाली ट्रेन 18 जल्द ही लॉन्च होने के लिए तैयार है। कम दूरी के स्टेशनों के बीच चलने वाली यह सबसे तेज रेलगाड़ी होगी। ट्रेन 18 के बाद इस देश में गाड़ियों की स्पीड के मामले में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें कई सुविधाएं भी ट्रेन 18 की तरह ही रखी गई है। मौजूदा समय में राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। सूत्रों के अनुसार यह गाड़ी भी इसी स्पीड पर चलाई जाएगी।
भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक में बदलकर बचाए करोड़ों रुपए। भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए एक डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक में बदला है। वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाना ने यह कमाल कर दिखाया है। 2600 हॉर्स पावर के WGC-3 श्रेणी के इंजन को 5000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी तकनीक से इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने का काम 69 दिन में ही पूरा किया गया। 31 दिसंबर से पहले निपटा ले ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है आपको भी परेशानी। दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है, कुछ दिन बाद नया साल 2019 शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 से हर साल की तरह कई चीजें बदलने वाली है। नए साल में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप दिसंबर खत्म होने से पहले अपने पेंडिंग पड़े वित्तीय कामों को निपटा ले। 1 जनवरी 2019 से पहले जो बदलाव होने जा रहे हैं वो है ITR फाइल करने की डेट। 31 दिसंबर तक फाइल करें अपना ITR। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल है जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले इसे अवश्य कर ले। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्शन 234F के तहत 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा और वह जुर्माने की राशि 5000 रुपए से बढ़कर 10000 रुपए हो जाएगी। वही दूसरा काम है, आपको EBM चिप वाले डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेने होंगे। RBI की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले ATM EBM बेस चिप कार्ड से बदलना है। इसके लिए RBI की तरफ से 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है। इसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। वहीं तीसरा बड़ा बदलाव जो है वो है नॉन सिटीएस चेकबुक। अगर ग्राहक बैंक के पास फंड ट्रांसफर जैसे कामों के लिए नॉन सिटीएस चेक जमा कराता है तो चेक क्लियरेंस देर से होगी। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी, 800 रुपए तक बढ़े दाम। सकारात्मक वैश्विक रुझान के बीच मांग बढ़ने से दिल्ली सरफा बाजार में सोना 250 रुपए उछलकर 32,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग में आई तेजी से चांदी 800 रुपए की तेजी के साथ 38,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। दोस्तों तो ये थी आज की बड़ी खबर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों तो ये रहा आज का क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही जवाब आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। सही जवाब देने वाले को हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे और उन्हें बीबी न्यूज की तरफ से मिलेगा अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।